नमस्कार। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आधुनिक भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, पर आइए जानें हम सब सीख क्या सकते हैं। पहला, परिश्रम। स्कूल के छात्र के रूप में सवेरे 2 बजे उठ जाते थे, पिताजी उठा देते थे। अध्ययन किया तो बड़ी मेहनत से किया, कई परेशानियां रही उनको स्कूलों में कॉलेजों में, किंतु अडिग निश्चय से अपने आप को अपनी जाति में ही नहीं, अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने देश में एक विद्वान के रूप में स्थापित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी और लंदन से एमएससी और डॉक्टरेट दोनों ही जब उन्होंने प्राप्त की, और वकालत भी पढ़ी और की बाद में हिंदुस्तान में आकर, हर वक्त परिश्रम परिश्रम परिश्रम। कहते थे सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, और इसीलिए उनमें कुशाग्रता, प्रवीणता और दक्षता का एक अद्भुत संगम था। फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी, पर्शियन, सबके विद्वान थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते समय वो भूल ही जाते थे समय क्या है, 18-18 घंटे पढ़ते थे, कई बार पूरी रात भी जागते थे, उनकी ये खासियत थी। संविधान के निर्माण के समय जब वो लिख रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उन्होंने इतनी मेहनत की जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समता, समानता, भ्रातृत्व का सिद्धांत फलीभूत करने की कोशिश की, संविधान के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, असंख्य पुस्तकों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से। वे मानव की समता और समानता के पक्षधर थे, महिलाओं का उत्थान चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। वो कहते थे शिक्षित बनो, अपने आप को पारंगत करो। 1935 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी, उन्होंने पढ़ी थी वो सारी। लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। उनका हर समय ये संदेश था कि करुणामय बनो, प्रेममय बनो, बदले मत लो, भारतीय एक हो जाओ। उन्होंने एक भाषण में कहा था, मुझे डर लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान गुलाम हुआ, कहीं हमारी गलती से फिर कभी आगे जाकर ना हो। हमें शक्तिशाली भारत बनाना है, जाति और धर्म से ऊपर होता है देश। और उन्होंने हर समय पर प्रेरणा दी हर एक भारतीय को कि वो आगे बढ़े तन्मयता से, फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से। वो एक महान अध्यापक थे, वक्ता थे, लेखक थे, विधिवेता थे, और उनको हम वर्सेटाइल जीनियस कह सकते हैं, बहु मुखीय प्रतिभा के धनी। डॉक्टर अंबेडकर ने जिंदगी में परिश्रम किया, दूसरों के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। हर एक के मन में उत्साह पैदा करते थे। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण वो 1954 और 1956 में बीमार भी हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रख नहीं पाए। जिसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं वो भूल जाता है कई बार अपने आप को, भूलना नहीं चाहिए। वो करुणामय थे। जिन दिनों बीमार चल रहे थे, एक महिला रात को आई, उसने कहा कि बाबा साहब, मेरे पति देव बीमार हैं किंतु अस्पताल में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। अम्बेडकर जी के पैरों में दर्द था, उठे, ड्राइवर के साथ कार में उस महिला को लेकर गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वालों को डांट करके उस गरीब इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वास्तव में वो भारत रत्न थे, 1990 में उनको भारत रत्न मिला, परंतु वैसे ही वो भारत रत्न थे। उन्होंने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। वास्तव में उनका जीवन महान था, और अंत में उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख, विपत्तियों से मत घबराओ। उनकी माताजी की मृत्यु बचपन में हो गई, युवावस्था में पिताजी चले गए, धन की कमी थी, प्रतिभा के माध्यम से ऊंचा उठे, झंडे गाड़ दिए अपनी प्रतिभा के देश और विदेश में। वो कहते थे बकरी का शिकार हो सकता है, शेर का नहीं, शेर बनो, साहसी बनो, हिम्मत रखो, आत्मविश्वास से जीना चाहिए। बाबा साहब से ये सीखें, और यही सबसे बड़ा उनका योगदान है। नमस्कार।